हे गाइस, आज की वीडियो अब थोड़ा सा नीड से स्टार्ट हुई है। भाई मुझे पता है कि मैं बहुत महीनों से नई वीडियो बनाया था, क्योंकि एक तो मेरे बोर्ड्स थे उस समय, अब तो सीन एकदम चेंज हो चुका है, एकदम ख़त्म हो चुका है। चेंज क्या कहना, वो बेकार चीज़ है, मतलब एकदम सीन ही बदल गया था। पहले तो उस समय मेरे बोर्ड्स थे और मैं एकदम बोर्ड की तैयारी कर रहा था, मतलब खेलता था पबजी, लेकिन ठीक ही खेलता था, ज़्यादा नहीं खेलता था। और फिर प्री बोर्ड्स आ गए, प्री बोर्ड जब आए थे तो उससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी प्री बोर्ड के पहले, फिर उसके बाद से मैंने भाई साहब छुआ तक नहीं था यूट्यूब। और अब मैं ये वीडियो एडिट कर रहा हूँ, ये वीडियो हो सकता है कॉपी राइटेड हो, क्योंकि मैं ये अपने दूसरे चैनल पर भी डाल चुका हूँ, जो कि एक चैनल है, पूरी क्लैन का चैनल है, एक टीम एस एम प्रोज नाम की क्लैन है, हमने और मेरे दोस्त ने बनाई थी, जिसमें अभी तक 6 या 7 लोग हैं एक्चुअली में, वैसे 4-5 तो अपने ही मोहल्ले के हैं। तो भाई भाई सब भाई बोर्ड वोर्ड के चक्कर में मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना पाया था, और एकदम चैनल भाई सब ख़त्म हो गया, चैनल लिटरली एकदम पूरा ख़त्म हो चुका है। और पबजी में ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह भी नहीं करता था, लेकिन फिर सोचे कि चलो T3 स्क्रीन स्टार्ट किया जाए खेलना, फिर वो खेला था थोड़ा बहुत, ट्रेनिंग राउंड्स करते थे। और अभी फिर अपडेट आ गया कि भाई साहब आने वाला है पबजी, जो कि बग मी के नाम से हो सकता है, शायद BG है भाई, मुझे पता नहीं है कि क्या नाम होगा, लेकिन जो भी आएगा उसके साथ हम लोग स्टार्ट कर देंगे थोड़ा बहुत स्क्रीम्स खेलना। और अभी स्क्रीम्स तो ठीक है, पबजी एक अलग ही जगह हो गया, और यहाँ पे और भी धूम धमाका मचाना है, तो अभी पता नहीं मुझे कौन सा नशा चढ़ गया था, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देखने का, डिस्कस करने का, और भाई साहब यही सब। पहले तो PC वगैरह का नशा चढ़ गया था, लेकिन जो लोग PC जानते होंगे कि वो अभी एकदम कंगाली मची हुई है, कंप्यूटर वगैरह तो सब एकदम ख़त्म चल रहा है, तो ये भी हो गया। तो अब इस चैनल के कॉन्टेंट के बारे में बात करें तो अब एकदम चेंज हो जाएगा कॉन्टेंट, पहले सिर्फ पबजी था, अब सिर्फ पबजी तो नहीं रखेंगे, थोड़ा सा चेंज तो लाना ही पड़ता है क्या। तो जो मेरा फ़ोन है वो बहुत ज़्यादा लैग करने लगा, लिटरली जब मैंने ख़रीदा तो ये बहुत कम लैग करता था, और अब ये फ़ोन बहुत ज़्यादा लैग करने लगा है। तो पबजी मैं इतना नहीं खेलूँगा इस चैनल पे, वैसे खेलूँगा मैं ऑन स्क्रीन नहीं खेलूँगा, वैसे ये शॉर्ट कैसा था मुझे बताना। तो ऑन स्क्रीन तो मैं बिल्कुल नहीं खेलने वाला पबजी, शायद बहुत ही कम खेलूँगा, लेकिन मुझे नहीं पता। तो आगे बढ़ते, तो भाई अगली चीज़ है कि थोड़ा बहुत टैग चालू कर दिया जाए क्या, तो कमेंट बताना कि टैग चालू करना चाहिए कि नहीं। वैसे मेजॉरिटी ऑफ लोग कहेंगे नहीं, कुछ मत करो तुम, यूट्यूब छोड़ दो, फालतू चीज़ें सब तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है। भाई बनी तो किसी की नहीं, लगी है, बनाना पड़ता है। तो इसमें मैं टैग की थोड़ी बहुत वीडियो डालूँगा, मतलब PC रिलेटेड भी हो सकता है वो, कंप्यूटर रिलेटेड, और थोड़ा बहुत मतलब एंड्रॉयड रिलेटेड भी हो सकता है, थोड़ी बहुत एंड्रॉयड की टिप्स एंड ट्रिक्स, क्या GFX टूल्स पबजी के लिए, सब बहुत भाई चर्चा में रहते हैं, तो इन पे एक वीडियो बनाना है तो सही है। और इसका और कंटेंट क्या रख सकते हैं मुझे कमेंट बताना। अभी भाई साहब 3-4 महीने बाद, 3-4 नहीं और ज़्यादा हो गया, 5-6 महीना हो गया, क्योंकि मैंने पहला जब कोरियन मैच खेला था पबजी बैन होने के 2-3 हफ्ते बाद, तब मैंने उसकी एक वीडियो बनाई थी, बस उसके बाद से मैंने छुआ लग नहीं था यूट्यूब, और अब वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो एकदम दिमाग ख़राब हो गया है। तो दूसरी चीज़ मैं इस चैनल के साथ वो करूँगा कि इसमें थोड़ी सी क्वालिटी ऐड कर देंगे, क्योंकि मैंने जितना देखा था मेरे चैनल पे इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आ पाती, वो हो सकता है कि मैं फेस कैम नहीं करता, क्योंकि फेस कैम से क्वालिटी की भाई 50% क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाती है, फेस कैम और थोड़ा सा इंटरेक्शन, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि भाई फेस कैम वगैरह के लिए चाहिए सेटअप, अपन के पास सेटअप क्या है, ऐसा एक फ़ोन है जिस पर रिकॉर्डिंग होती है, सब कुछ इसी पर होता है, और मेरे पास एक हेडफोन है जो कि मैं गेमिंग के लिए यूज़ करता हूँ, और भाई साहब इसमें एक डेडिकेटेड माइक भी दिया हुआ है, जो कि डिटैचेबल तो नहीं लेकिन काम चला हुआ है, तो वो एक मेरा मतलब प्राइमरी माइक होता है। तो सेटअप के नाम भी यही सब है, और क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, और जो कंटेंट रहेगा उसको बड़ा कस्टमाइज करके थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि तो अब वही तरह नहीं कि वीडियो बनाओ और डाल दो, तो थोड़ा सा इसको और कस्टमाइजेबल बनाऊँगा मैं, और इसको कस्टमाइजेबल इस तरीके से बनाऊँगा कि सीरीज़ में वीडियो आएंगी,
अब पता नहीं देखने को मिलेगा कि नहीं, वो तो बात की बात है। लेकिन जो सीरीज़ में वीडियो आएंगे वो मैं इतना ज़्यादा मतलब सिंपल करके बताऊंगा, जो कि मैंने जितने यूट्यूब पे सर्च मारा है, जो कि जो यूट्यूबर्स बनना चाहते हैं अभी मेरी तरह, तो उनके लिए ये वीडियो रहेंगी, क्योंकि भाई एकदम सिंपल करके बताऊँगा। और ये स्पॉन्सरशिप वगैरह मुझे आती नहीं है, व्यूज़ भी कुछ खास नहीं आते, तो भाई अगर कोई क्वेरी होगी तो भाई कमेंट में लिख देना भाई, रिप्लाई तो ऑब्वियसली मिल जाएगा, कोई व्यूज़ वगैरह तो आते हैं नहीं। तो जितना सिंपल हो पाएगा मैं उतना सिंपल बताऊंगा, और पार्ट में बताऊंगा ताकि थोड़ा सा वीडियोस भी बनती रहे, रील्स भी पहुंचे। और जब पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो मैं एक वीडियो लाऊंगा एकदम कंबाइंड फुल टू, और वो ये ऐसी वीडियो रहेगी कि पूरी वीडियो डाउनलोड करके सबको एक बार चिपका दी हो, एक नई वीडियो बनाएंगे जिसमें एक पूरी वीडियो, पूरी आधे एक घंटे की वीडियो में, जिसमें एक टॉपिक के ऊपर सब कुछ कवर कर देंगे, और जो नहीं कवर किया रहेगा उसके लिए वो बता देना, वो बात की बात है, तो सब कुछ कवर कर दिया जाएगा उस वीडियो में। तो इसी तरह का कंटेंट रहने वाला है अब मुझे नहीं लगता कि अब पुरानी तरीके से गेम प्लेस में डालूंगा, क्योंकि यार देखो जब से पबजी बैन हुआ था खेल थोड़ा तो मैं रहा ही था, चाहे वो बैन हो चाहे ना बैन हो, VPN लगा के कि मैं खेल रहा था, लेकिन उतना मन नहीं करता क्योंकि जो चीज़ बैन है वो खेलने में फिर उतना मज़ा देती नहीं है। तो पबजी का इस चैनल पर बहुत ही कम कॉन्टेंट अब मैं डालने की कोशिश करूँगा। अगर प्रैक्टिस स्क्रीम्स या जो भी मैं T3 स्क्रीम्स और टूर्नामेंट्स खेलूँगा उसका एक दूसरे चैनल पर मैं डालूँगा, क्योंकि मेरी क्लैन का चैनल है, मैंने बनाया हुआ 45 सब्सक्राइबर्स हैं, तो ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना। तो पबजी के तो मैं उसी चैनल पर सब कुछ डालूँगा। तो अब शायद कि ये वीडियो मुझे ख़त्म कर देनी चाहिए यहीं पे, क्योंकि अब मैंने बहुत कुछ बता दिया है कि भाई क्या करना है इस चैनल के साथ। तो चलो अब भाई अगली वीडियो में मिलते हैं, और अगली वीडियो में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं किस टॉपिक के ऊपर बनाने वाला हूँ, वो रहेगा यूट्यूब के ऊपर, मतलब यूट्यूब की चीज़ें कैसे काम करती है, आप क्या कर सकते हो यूट्यूब के साथ, और उसका जो यूट्यूब स्टूडियो है वो भाई आप कुछ भी नहीं देखे हो यूट्यूब के बारे में, अगर आपको सिर्फ यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोड करना आता है और क्वालिटी वगैरह चेक करना आता है, इसके अलावा अगर आप बहुत कुछ है यूट्यूब में, आप मेरी क्वालिटी देख रही होगी, मतलब शुरुआत से देखे अगर देखोगे ना मेरी वीडियोस और अब की वीडियो देख लोगे तो भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि भाई मैंने रिसर्च मारी बहुत सारी यूट्यूब पे, ये कैसे करते हैं वो कैसे करते हैं, एकदम प्रोफेशनल तरीके की तरह बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कर कह रहा था, अब थोड़ा बहुत तो जान ही गया हूँ किस तरीके का YouTube एल्गोरिदम काम करता है, कैसे व्यूज़ आएंगे कैसे नहीं आएंगे, तो उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो चलो भाई वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगली वीडियोस की पूरी सीरीज़ आएगी YouTube के ऊपर, तो उसको देखना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक भी कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।